सो अभी हम आ चुके हैं आयोनिक 5 में, एक शॉर्ट टेस्ट ड्राइव लेने वाले हैं इसकी। सो राइट नाउ ये अभी हमारी है 89% चार्ज और यहाँ पे रेंज दिखा रहा है 373 किलोमीटर्स। वो भी अगर हम एसी इसका ऑफ कर लेंगे तो रेंज को 403 किलोमीटर्स बता देगा। और सेम अगर हम ड्राइविंग मोड अभी हम इसको नॉर्मल पे लेके चलते हैं तो उससे भी काफ़ी डिफरेंस आता है, बट स्टिल हम एसी ऑन रखते हैं। इसको हम यहाँ से डी पे लेके जाते हैं तो यहाँ एंड वी आर रेडी टू गो। काफ़ी साइलेंट कैबिन है और रेंज की भी अगर आप बात कर ले स्पेशली इस सेगमेंट में तो काफ़ी अच्छी रेंज आपको ये प्रोवाइड करती है, नियर अबाउट 631 किलोमीटर्स का। उसके अलावा भी यहाँ पे आपको दो पेडल शिफ्टर्स दिए गए हैं माइनस राइट साइड पे और प्लस आपको दिया गया है लेफ्ट हैंड साइड पे। तो ये तीन लेवल्स तक की रीजनरेशन मोड प्रोड्यूस करता है, जिसका मतलब है कि अगर आपका एक्सेलरेशन पेडल पे पैर है और पैर आप हटा रहे हो तो ये ऑटोमेटिकली ब्रेक अप्लाई करेगा, जिससे आपकी रेंज में थोड़ी इम्प्रूवमेंट आती है। यहाँ पे ग्राफ पे भी आपको दिख जाएगा ये रिवर्स चार्ज करता है आपकी बैटरी को, जिससे आपकी रेंज थोड़ी सी बढ़ जाएगी एज कम्पेयर टू नॉर्मल। देन उसके अलावा जो कैबिन एक्सपीरियंस है वो भी काफ़ी यूनिक है, नॉर्मल गाड़ी से थोड़ा सा अलग है। एज यू कैन सी ड्यूल स्क्रीन आपको मिलती है, टच स्क्रीन डिस्प्ले। उसके अलावा रीचेबल है, ऑलमोस्ट बिल्कुल कॉर्नर तक जाना है तो डिपेंडिंग अपॉन योर हाइट तो मेरे को थोड़ा सा आगे झुकना पड़ रहा है, अदरवाइज ठीक ठीक है। यहाँ पे आपको बेसिक नेविगेशन वगैरह सब कुछ देखने को मिल जाएगा। देन जो स्टेयरिंग व्हील का फीडबैक है ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, रिस्पॉन्सिव है काफ़ी। और आप यहाँ देख रहे हो, मैं इसका एडैस ऑन कर लेता हूँ, इसमें आपका एडैस लेवल 2 आता है। तो लेन कीप असिस्ट, डिस्टेंस मेंटेन वगैरह करना, अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल, वो सारे फीचर्स आपको इसमें मिल जाएंगे। ऑब्वियसली आप 50-55 लाख के बीच में स्पेंड कर रहे हैं तो ये चीज़ें आपको मिलेगी। और हाँ, कॉम्पिटिशन की अगर आप बात कर ले तो किया EV6 आती है, बट अगर आप उसकी प्राइस देख लें, बिकॉज वो CBU यूनिट है तो प्राइस उसकी काफ़ी ज़्यादा हाई जाती है, नियर अबाउट 70-75 lakh, तो प्राइस डिफरेंस इनमें बहुत ज़्यादा है। देन रिसेंटली एक और गाड़ी लॉन्च हुई है BYD की सील, तो जो BYD सील है वो भी सेम प्राइस सेगमेंट की आती है, बट हाँ उसकी प्राइस 44 lakh से शुरू होती है फॉर बेस वेरियंट, और टॉप वेरियंट की थोड़ी ऊपर जाती है, बट स्टिल काफ़ी एक प्रीमियम इंटीरियर आपको इसका देखने को मिलेगा। अभी बीप की वार्निंग सुनी हुई है, ये सारी एडैस की वार्निंग है। अभी लेन मार्किंग भी यहाँ पे हल्की हल्की विजिबल है, 100% विजिबल नहीं है, बट स्टिल लेट सी कि ये अब जो स्टेयरिंग है उसको कैसे एडजस्ट करती है। यहाँ अगर मैं स्टेयरिंग को इस साइड के लिए करता हूँ, लेन से बाहर अगर जाने की ट्राई करेगी तो ये अभी गाड़ी को लेन में रख रही है वापस से। थोड़ा फिर से इसको राइट साइड लेफ्ट साइड के लिए करते हैं, देखो अभी फिर से इसने स्टेयरिंग को एडजस्ट कर लिया। तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है, अगर आपका ध्यान थोड़ा सा भी आगे पीछे भटकता है तो ये आपको असिस्ट कर लेगी, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप टोटली इसके ऊपर डिपेंड हो जाएं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अभी यहाँ पे आ रहा है कि हैंड्स ऑन स्टेयरिंग व्हील, तो मतलब यही है कि यार आपको ये थोड़ा और सेफर साइड पर ले जाती है। जो ऑटोनोमस फीचर्स हैं वो आपको कहीं ना कहीं और सेफर साइड पर ले जाते हैं, गाड़ी की सेफ्टी को इम्प्रूव करते हैं। बाकी इसमें 6 एयरबैग्स आपको मिल जाएंगे, एंड्रॉयड ऑटो कारप्ले है। मैं इंडिकेटर देता हूँ क्योंकि यहाँ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है तो मुझे लेन शिफ्ट करनी है, तो ये चीज़ का भी आप ध्यान रखो। इंडिकेटर तो देखो आगे वाला भी गाड़ी वाला इज़ लाइक अकलमंद है, इंडिकेटर दे रहा है। बहुत कम लोग होते हैं जो यहाँ पे लेन चेंज करते टाइम इंडिकेटर देते हैं, यूजली लोगों को मैंने देखा है दे नेवर डू दिस काइंड ऑफ अ थिंग। इसको ओवरटेक करते हैं हम, बहुत साइलेंट है, यू विल मिस कि वो इंजन वाली जो आवाज़ होती है वो कहीं ना कहीं आपको मिसिंग लगेगी, बट गाड़ी की परफॉर्मेंस इज़ लाइक नेक्स्ट लेवल, आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है ये चलाने में। अभी देख सकते हो आगे की सीनरी एंड ऑल, तो ये व्यू भी काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे मेरे को। जो अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल है उसके अलावा लेन की असिस्ट, जब ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है ना, आपको गाड़ी चलाने में बहुत मजा आएगा। कंसंट्रेशन आपको अपनी बनाए रखनी है, बट स्टिल आपको बहुत मजा आने वाला है। अभी अगली गाड़ी के अकॉर्डिंगली ये डिस्टेंस अपना मेंटेन कर रहा है, फिर भी मुझे थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है तो मैं अपना पैर बीच में रख रहा हूँ, बट स्टिल यू कैन सी। अभी मैं अगर इंडिकेटर देके यहाँ पे आ जाता हूँ
ये अपने आप ब्रेक अप्लाई कर रहा है आगे वाली गाड़ी के साथ, डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है। यहाँ पे आपको वार्निंग्स भी बनी हुई मिल जाएंगी, आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग, मैं अपने पैर पीछे रख के बैठा हूँ और यहाँ पे अपने आप ये डिस्टेंस मेंटेन करके चल रहा है। इवन दो अगर मुझे लेन शिफ्ट भी करनी है, अभी देखो क्लियर हो गया तो इसने स्पीड इंक्रीज करी, अभी मैं यहाँ का इंडिकेटर दे रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड का, अपने आप स्पीड इंक्रीज कर रहा है। ये एक्सपीरियंस इज लाइक रियली वेरी गुड। अब ये बंद हो गया क्योंकि सिग्नल पे थे यहां पे हम। अभी फिर से ऑन कर देता हूं मैं अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल। सो दिस इज अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल। अभी अगेन ये अगली गाड़ी के साथ जो डिस्टेंस है वो मेंटेन करके चल रहा है। मैं डिस्टेंस को कम या ज्यादा भी कर सकता हूं, आपको दो गाड़ी का डिस्टेंस करना है, एक गाड़ी का करना है या फिर बहुत ही कम डिस्टेंस करना है, तो दैट विल बी योर चॉइस। अभी लेन को भी ये रीड कर रहा है और चल रहा है इसके अकॉर्डिंगली। नाउ लेट्स सी, हाथ छोड़ दिए मैंने, स्टीयरिंग व्हील अपने आप एडजस्ट कर रहा है इसको। अरे तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई। फिर भी आपको थोड़ा सा रिस्पॉन्सिव रहना पड़ेगा, टोटली इस पर डिपेंडेंट नहीं हो। तो इसमें मैंने बेसिक सी कुछ चीजें एक्सप्लेन करी, आई होप आवाज आपको अच्छे से आई होगी। मैं विदाउट माइक ही बोल रहा था, अगर नहीं आई होगी तो मैं ये वीडियो अपलोड नहीं करूंगा, फिर इतना ही हो सकता है। बेसिक कुछ चीजें मैंने जो एक्सपीरियंस की इसमें, स्पेशली अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल लेन की, बस इस डैस के जो फीचर्स थे वो मैंने एक्सप्लेन किए यहाँ पे, और बाकी ओवरऑल गाड़ी यू कैन सी बहुत अच्छी है। इसका एक डिटेल्ड रिव्यू एज वेल एज ड्राइव रिव्यू ऑलरेडी चैनल पे है, तो मैं यहाँ ऊपर कहीं आई बटन में मेंशन कर दूंगा, वहां जाके भी आप देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, मुझे फॉलो कर सकते हैं आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। हैव अ गुड डे।